इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय जयदेव स्वीट सेंटर, ऑल स्वीट आइटम्स एंड स्नैक्स आइटम्स अवेलेबल हियर, हल्ला चौक बसवा कल्याण। नमस्ते, बसवा कल्याण वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि लास्ट ईयर 4 दिसंबर को जो कैंप हुआ था उसको बहुत अच्छे तरह से रिस्पॉन्स देने के लिए, बहुत सक्सेसफुल कैंप रहा लास्ट ईयर। मोर 1000 से ज़्यादा लोगों ने उसका फ़ायदा लिया। उसी धरती पर इस साल भी हम 4 दिसंबर को मिस्टर माधवराव श्रीवंशी के 2nd डेथ एनिवर्सरी को उनको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ये मेगा कैंप का आयोजन किया है। तो इस बार भी 12 डॉक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी मेगा कैंप है तो उसमें हर तरह के डॉक्टर्स आपको मिलेंगे, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप उनको दिखाइए। डॉक्टर संगमेश तोंडारे जो जनरल सर्जन है गुलबर्गा से आते हैं, आप उनको सभी प्रकार के सर्जरीज, अपेंडिक्स, हर्निया, एक बॉडी पे किधर स्वेलिंग है तो कौन सी भी सर्जरी करा सकते हैं। तो 50% का मिनिमम डिस्काउंट सर्जरी पे है, आप डॉक्टर साहब से बात करके और उससे भी उनके साथ और कम करा सकते हैं। तो मिनिमम 50% तो डिस्काउंट एवरी सर्जरी पे है। उसके बाद में 2 कार्डियोलॉजिस्ट है, लास्ट ईयर नितिन गुदगे सर अकेले थे तो ज़्यादा लोड हुआ था, इस बार 2 लोग हैं, डॉक्टर नितिन गुदगे और डॉक्टर श्रीकांत रेड्डी, दोनों कार्डियोलॉजिस्ट फुल टाइम अवेलेबल रहेंगे। आपका इको कंसल्टेशन, इको TMT और कंसल्टेशन फ्री में हो जाएगा और उसमें से कुछ प्रॉब्लम निकलता है तो सर आगे जाके एंजियोग्राफी वगैरह डिस्काउंट दे देंगे। एंजियोग्राफी यहाँ पर होता नहीं, उनके हॉस्पिटल में पेशेंट को शिफ्ट करके वहाँ पर एंजियोग्राफी कर सकते हैं डिस्काउंटेड रेट्स में। 2 ऑर्थोपेडिक सर्जन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डॉक्टर श्रीनिवास कलीगुड़ी और डॉक्टर अमर मंठाड़े। बोन्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या ऑपरेशन करना है तो वो भी 50% डिस्काउंट रेट में ऑपरेशन कर सकते हैं। डॉक्टर प्रियंका मंठाड़े गायनेकोलॉजिस्ट है, लास्ट ईयर डॉक्टर वैशाली पाटिल थे, किसी पर्सनल रीजन की वजह से ये इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, तो डॉक्टर प्रियंका मंठाड़े तो वो पूरा हाई रिस्क ANC चेकअप, मतलब जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस रहते हैं उसका कंसल्टेशन, और लेडीज़ में जो प्रॉब्लम रहता है कैंसर स्क्रीनिंग, सर्वाइकल कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, वो कैंसर स्क्रीनिंग उनके साथ में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टर शांतलिंग निगुड़गी और डॉक्टर शरण बसप्पा हत्ती गुलबर्गा से HCG हॉस्पिटल से आ रहे हैं। तो लेडीज़ का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब उनको दिखा सकते हैं। ट्यूबेक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, वो आप मैडम से कंसल्ट करके उसके बारे में सर्जरी करवा सकते हैं। यहाँ इस बार डॉक्टर आशीष अंदारवल के नया यूरो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट उमरगा से आते हैं। कोई भी स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है या किडनी का कोई प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट का कोई प्रॉब्लम है तो उनको दिखा सकते हैं। तो और एंडोस्कोपी का भी वो कर सकते हैं, एंडोस्कोपी अगर कुछ निकलने में तकलीफ हो रही है, एसिडिटी का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सर से कंसल्ट करके एंडोस्कोपी और यूरो एंडोस्कोपी वो बोलते हैं, वो स्टोन के लिए यूरिनरी ब्लैडर का कुछ प्रॉब्लम है या किडनी स्टोन का कुछ प्रॉब्लम है तो उनके साथ कंसल्ट करके वो अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और लास्टली इस बार डॉक्टर रितेश सुत्रावे के बसवा कल्याण के सुपुत्र है डॉक्टर रितेश सुत्रावे, ये एक एडिशन किया है स्पेशली इनके लिए क्योंकि साइकेट्रिस्ट है इन्होंने, न्यूरो साइकेट्रिस्ट। यूजुअली क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम रहा तो आदमी को पता चलता है बुखार आ गया चलो दिखाते हैं डॉक्टर्स को, या पेट में दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है डॉक्टर्स को दिखाएंगे, लेकिन जो मानसिक प्रॉब्लम रहता है उनके लिए नेगलेक्ट करते हैं, उसको डिसीज़ नहीं समझते हम लोग। तो जो भी मानसिक प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घबराहट होती है, चिड़चिड़ापन होता है, नींद नहीं आती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम रहते हैं, दूसरे के साथ अच्छा बात नहीं करना, तो ऐसे लोगों को यूजुअली हम बीमार नहीं समझते, वो क्या आदमी अच्छा नहीं है ऐसे समझते हैं, तो उनको स्पेशली डॉक्टर रितेश सुत्रावे सर से वो कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि साइकेट्रिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सोशल स्टिग्मा की वजह से ये क्या पागल है आदमी ऐसे समझते, वो स्टिग्मा अवॉइड करने के लोग दिखाते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अवेलेबल है, आप उनको कंसल्ट करिए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके कोशिश कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने की। इसके साथ में हमको सपोर्ट के लिए डॉक्टर विशाल और डॉक्टर गिरिराज पटेल एनेस्थेटिस्ट हैं, ये सब लोगों को सपोर्ट करेंगे।
कोऑर्डिनेट करके सबका कैंप स्मूथली कंडक्ट करने के लिए हमको हेल्प करेंगे डॉक्टर गिरिराज पाटिल और डॉक्टर विशाल, लास्ट ईयर की तरह ही। तो इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप यूज़ कर लीजिए, फ़ायदा ले लीजिए। कैंप कब चालू होगा और खत्म होगा? 4 तारीख को, 4 दिसंबर एवरी ईयर फिक्स है ये डेथ एनिवर्सरी, 4 दिसंबर को, 2nd है अभी, तो एवरी ईयर हम करेंगे। तो सुबह 10 बजे से चालू होगा और शाम को 4 बजे तक का टाइमिंग है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवाना होगा? हॉस्पिटल आके डायरेक्टली रजिस्टर करवा सकते हैं या नीचे फ़ोन नंबर दिए हैं दो, वो फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके भी रजिस्टर कर सकते हैं। आपको कौन से डॉक्टर्स चाहिए और क्या बताना है वो उस हिसाब से। मेडिसिन और लैब पे कोई डिस्काउंट है? मेडिसिन पे 10% डिस्काउंट है और लैब में 30% डिस्काउंट है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे मेडिकल लैब के, ब्लड इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर। तो इस कैंप में कंसल्टेशन फ्री रहेगा? कंसल्टेशन फ्री है, कंसल्टेशन टोटली फ्री है। हाँ, ये टूडी को टोटली फ्री है, TMT फ्री है, और एक डॉक्टर, हाँ किधर रहते हैं, डॉक्टर नंदिनी माले पाटिल, लास्ट ईयर गुलबर्गा से डॉक्टर शेफी आए थे ENT सर्जन की, अभी इस बार अपने डॉक्टर नंदिनी माले पाटिल ENT सर्जन है। ENT का कोई प्रॉब्लम है तो उनको कंसल्ट कर सकते हैं। ENT मतलब नाक का और गले का कोई प्रॉब्लम है, कान का कोई प्रॉब्लम है तो उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उनका भी सर्जरी में 50% डिस्काउंट रहेगा, एवरी सर्जरी कौन सा भी सर्जन रहेगा तो 50% मिनिमम डिस्काउंट है। और सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि खाना खा के जाइए, क्योंकि खाने का प्रावधान किया, लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम हुआ था कि लोग सुबह आके शाम तक भूखे रहे थे, तो इस बार पीछे मंदिर के पास खाने की व्यवस्था की गई है भोजन का, तो उसका आनंद लीजिए। तो कैंप के टाइम पे ही है, सुबह से चालू 11 बजे से चालू हो जाए, 11 बजे से चालू हो जाएगा, 4 बजे तक। हॉस्पिटल के पीछे जो मारुति मंदिर है वहाँ पे है।